गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टू का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है केजर्स सीक्रेट। तो एक आदमी था जिसका नाम था केजर्स, और उसका क्या सीक्रेट था इसी चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए केजर नेम्ड ट्रोजोन हु ऑलवेज वोर ए हैट एंड अंडर दैट हैट ही हाइड ए सीक्रेट। तो क्या हुआ था, बहुत साल पुरानी बात है, बहुत पहले की बात है। तो क्या हुआ था, एक गांव था जिस गांव में कैजर बोल के एक आदमी रहता था। वो क्या था, ट्रोजन। तो वो क्या करता था, अपने सिर में हमेशा एक टोपी पहना हुआ करता था, एक टोपी हमेशा वो पहनता था, और उस टोपी के नीचे उसका एक सीक्रेट था। टोपी पहन लेता था तो टोपी के नीचे उसका एक सीक्रेट छिपाया करता था, वो हाइड करके रखता था। ठीक है, नो वन न्यू अबाउट द कैजर्स योर एक्सपेक्ट द बार्बर हु कॉट हिज हेयर। तो क्या था उसका सीक्रेट, उसका कान था उसका सीक्रेट। तो जहां पे वो अपना बाल कटवाने के लिए जाता था, जो बार्बर था, उसी बार्बर को ही सिर्फ कैजर्स का सीक्रेट के बारे में पता था, और किसी को भी पता नहीं था उसकी कान कैसा था। इस बारे में सिर्फ वो कैजर्स जानता था, और वो जहां पे अपने बाल कटवाने के लिए जाता था वो बार्बर ही जानता था, और दूसरा कोई नहीं जानता था। द कैजर मेड द बार्बर टू प्रोमिस डेट ही वुड नेवर टेल द सीक्रेट ऑफ हिज गोट लाइक योर टू एनी वन। तो कैजर्स का सीक्रेट क्या था, देखो हमारा कान कैसा होता है, नॉर्मल होता है, और आप सब लोग देखे हो बकरी का ईयर, देखे हो गोट का ईयर कैसा होता है, थोड़ा सा लंबा होता है कि नहीं। वैसे कैजर्स का जो कान था वो एक बकरी की कान के जैसा दिखता था, और वो बार्बर से प्रॉमिस भी लिया था कि वो किसी को भी नहीं बताएगा कि कैजर्स का कान एक बकरी की कान जैसा है बोल के। यहाँ पे आप लोग को फोटो में भी दिखा देता हूँ उसका कान कैसा होता था। देखो बकरी के जैसे कान है कि नहीं, उसका वैसा कान था, बकरी के जैसा कान कैजर्स का। देखो बकरी जैसा कान है कि नहीं, लंबा हुआ है ऊपर, वैसे कान था। तो द बार्बर किप्ट हिज प्रोमिस बट ही वॉज नॉट इजी। तो वो तो प्रोमिस कर लिया है बार्बर की, मैं किसी को भी आपके कान के बारे में नहीं बताऊंगा, मगर हर किसी के बस में नहीं होता कि सीक्रेट को बोलो अपने ही आप में सीमित रख सकें, या किसी को बिना बताए बोलो रह सके। कुछ लोग क्या होते हैं, उतावले से दूसरे आदमी को बता देते हैं। तो जो बार्बर था उसके अंदर भी उतावला आने लगा। ही लॉन्ग टू टेल समवन अबाउट द कैजर्स ईयर। फाइनली द बार्बर न्यू ही कुड कीप द सीक्रेट नो लॉन्गर, सो ही डॉग ए डीप होल इन द ग्राउंड। तो क्या हुआ, तो वो तो बहुत दिन तक, ज्यादा दिनों तक उसका सीक्रेट को दबा के नहीं रख सकता, किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। तो इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तो क्या आइडिया आया, वो जमीन के नीचे एक गड्ढा खोदने लगा। डॉग ए होल, वो एक गड्ढा खोदने लगा। कौन, बार्बर गड्ढा खोदने लगा। देन ही स्टक हिज हेड इन टू द होल एंड शाउटेड द सीक्रेट एज लाउड एज ही कुड। द कैजर हैच द ईयर ऑफ ए गोट। द कैजर हैच द ईयर्स ऑफ ए गोट। तो वो क्या करने लगा, गड्ढा खोद लिया, और गड्ढे के अंदर बार्बर ने क्या किया, अपने मुंह को गड्ढे के अंदर घुसा लिया, और वहां पे जोर जोर से चीख के, जितना अपना जोर लगा के चीख के वो बोलने लगा। क्या बोलने लगा, देखो द ईयर्स ऑफ ए गोट, और वो जोर जोर से ये बोलने लगा कि द कैजर हैच द ईयर्स ऑफ ए गोट। जो कैजर है उसका कान एक बकरी की कान जैसा दिखता है, जो कैजर है उसका कान एक बकरी की कान जैसा दिखता है बोल के वो जोर जोर से चीखने लगा उस गड्ढे के अंदर। देन द बार्बर कवर्ड हिज वार्ड विथ डार्ट एंड वेंट एवे। गड्ढे के अंदर वो अपना सीक्रेट को बोल दिया, जो कैजर का सीक्रेट था गड्ढे के अंदर बोल दिया कि कैजर का बकरी जैसा कान है बोल के, और उस गड्ढे को उसने मिट्टी से
फिर भर दिया और वहाँ से वो वापस चला गया। इन टाइम ए ट्री ग्रू फ्रॉम द होल वेयर द बार्बर हैड शाउटेड द सीक्रेट एंड फ्रॉम द ट्री ग्रू टू लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांचेस। तो क्या हुआ, जिस गड्ढे में वो कैजर का सीक्रेट बोला था वो बार्बर, कुछ दिनों के बाद वहाँ से एक पेड़ जन्म लेता है या एक पेड़ वहाँ से बनने लगता है या उगने लगता है पेड़। और पेड़ क्या होता है, सीधा बढ़ता है और उसका दो ठो ब्रांचेस निकला होता है। पेड़ सीधा बढ़ लेता है और जो दो ठो ब्रांचेस है वो राइट और लेफ्ट में ऐसे स्ट्रेट करके उसका बढ़ने लगता है, जैसे कि यहाँ पे देखो फोटो में पेड़ सीधा बढ़ गया और एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड दोनों ब्रांचेस ऐसे स्ट्रेटली बढ़ने लगे। वन डे ए सीफियर्ड कम अपॉन द ट्री, ही कॉट ऑफ ए ब्रांच सेप्ड इट इंटू ए फ्लूट एंड बिगेन टू प्ले। तो क्या हुआ, सीफियर्ड का मतलब क्या है, जो भेड़ बकरी को चराता है, जो लड़का या लड़की भेड़ या बकरी को चराता है उसको बोला जाता है सीफियर्ड। तो वैसे वहाँ पे एक बकरी चराने वाला लड़का आया और जो दोनों टहनिया था, जो दो ब्रांचेस था, उसी में से एक ब्रांच को वो क्या करने दिया, काट लिया और उसको क्या बनाने लगा, और उसमें से एक फ्लूट बनाने लगा। फ्लूट का मतलब है बांसुरी। वो एक ब्रांच को काट लिया, एक डाली को काट लिया पेड़ से और उसमें वो एक बांसुरी बनाने लग गया। और उसको बांसुरी बनाने के बाद क्या करते हैं, बांसुरी को बजाते हैं, वो भी बांसुरी को बजाने लगा। एंड व्हाट वाज द सॉन्ग डेट द फ्लूट पाइप आउट। तो उसी में से कैसा धुन निकलेगा, जो बांसुरी वो बनाया है जो ब्रांचेस से, उसमें से कैसा धुन निकलेगा, देखो। द सेफियर्ड वॉज क्वाइट सरप्राइज बाय द फ्लूट सॉन्ग एंड क्विकली टोल्ड द सीक्रेट टू एवरीवन इन टाउन। तो जैसे ही वो बांसुरी बजाने लगा, जैसे ही वो बांसुरी को प्ले करने लगा, तो वहाँ पे जो कैजर्स का सीक्रेट नहीं था क्या, वो सीक्रेट बांसुरी से धुन के आकार में निकलना शुरू हो गया। और धीरे धीरे करके जो टाउन में या जो गाँव में वो कैजर रहता था, सारे लोगों को पता चल गया। वन मॉर्निंग द कैजर हिमसेल्फ हियर्ड सम पीपुल व्हिस्परिंग हिज सीक्रेट टू ईच अदर, ही सेंट फॉर द बार्बर। तो क्या हुआ, तो बांसुरी से जो धुन निकल रहा था वो कैसा निकल रहा था, कि जो कैजर्स है उसका ईयर, उसका कान एक बकरी की कान जैसा है बोल के उस बांसुरी से धुन निकल रहा था। तो धीरे धीरे करके गाँव में ये बात फैल गया। तो एक सुबह क्या हुआ, कैजर घूमने के लिए निकला था, तो दोनों लोग, दो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि कैजर का कान जो है बकरी के कान जैसा है बोल के बात कर रहे थे। ये बात कैजर ने सुन लिया और वो गुस्से से बार्बर के पास दौड़ना शुरू कर दिया, या बार्बर के पास दौड़ने लगा कि बार्बर मेरा सीक्रेट सबको बता दिया है बोल के वो बार्बर से पूछने के लिए चला गया उसके पास। Why have you told my secret? The कैजर asked angrily। और वो गुस्से से बार्बर को पूछने लगा कि मैंने तो तुमको प्रमिज किया था, मना भी किया था कि मेरा सीक्रेट किसी को भी मत बताना, तो तुम क्यों बता दिए मेरा सीक्रेट सबको। आई प्रोमिस यू सर, आई टोल्ड योर सीक्रेट टू नो वन बॉट द अर्थ। तो वो बार्बर बोलता है, हे मालिक, डियर सर, मेरे को आप बोले थे कि मेरा सीक्रेट किसी को मत बताना और मैं किसी को भी नहीं बताया हूँ, मगर मैं अर्थ को, जमीन को आपका सीक्रेट बता दिया था। जो जमीन होता है, जो अर्थ होता है, मैंने अर्थ को ही अपना, आपका सीक्रेट बता दिया था कि कैजर का ईयर जो है, जो कान है उसका, एक बकरी की कान जैसा है। सेड द बार्बर, ऐसे बोल के बोलता है कैजर को बार्बर। देन ही एक्सप्लेन द होल द ट्री एंड द फ्लूट। तो वो धीरे धीरे करके पूरा एक्सप्लेन करता है कि मैं जहाँ पे आपका सीक्रेट बोला था गड्ढे के अंदर और उसको फुल कर दिया था या उसको फिल कर दिया था मिट्टी से, वहाँ पे से एक पेड़ उग आया। पेड़ उगने के बाद वहाँ से एक ब्रांच को तोड़ के एक लड़के ने बांसुरी बनाया और उस बांसुरी से आपका सीक्रेट धुन के आकार से निकल रहा है बोल के सारे बात बता देता है। नाउ एवरी वन नो माई सेम्फुल सीक्रेट।
तो ये बात सुन के केजर बोलता है, अभी क्या हो गया, मेरा जो शेमफुल, मेरा जो गंदा सीक्रेट था वो सबको पता चल गया, बोल के वो केजर शर्मिंदा हो गया। सर मैं आई से समथिंग, तो बार-बार बोलता है सर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, बोल के पूछता है केजर से। आस्क द बार्बर योर ईयर आर लाइक नो वन एल्स, इफ आई हैड योर ईयर्स आई वुड शो देम ऑफ, लेट एवरी वन सी योर ईयर्स। तो वो बोलता है कि देखो सर आपका जो कान है वो सब लोगों से अनोखा है, क्योंकि सबका कान आपके जैसा नहीं होता, सबका नॉर्मल कान होता है, मगर आपका कान क्या हुआ है, सबसे डिफरेंट है, इसीलिए आप उसको दिखाना शुरू कर दो, उसको हैट के अंदर, टोपी के अंदर ढक के मत रखो। केजर ट्रोजन रियलाइज्ड डैट द बार्बर वॉच राइट, तो वो सोचने लगा हाँ बार्बर तो सच बोल रहा है, मेरा जो कान है सबसे अनोखा है, सबसे अलग है, इसको ढक के रखने से क्या होगा, अगर सब लोग देखेंगे तो मेरा तारीफ करेंगे कि देखो केजर का कान कैसे सबसे अलग है, कैसा वो अलग दिखता है बोल के। ही वुड लेट द वर्ल्ड सी हिज यूनिक ईयर्स, और वो दिखाना चाहेगा पूरी दुनिया को कि उसका कान सबसे अलग है बोल के। द केजर गेव हिज फेवरेट हैट टू द बार्बर, और ये सोच के क्या किया, अपना मुंडी में अपना सिर में जो टोपी पहना था टोपी को निकाला और बार्बर को थमा दिया, ये टोपी अब दूर ही रख, मैं टोपी और नहीं पहनूंगा, या मेरे को अब टोपी की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड व्हेनेवर द केजर हियर द फ्लूट सॉन्ग ही वुड विगिल हिज गोट लाइक योर विथ प्राइड, तो जब भी वो धुन सुनता था, जो फ्लूट से जो धुन निकलता था और धुन बोलता था कि केजर का जो कान है वो एक बकरी के कान जैसा है, जब भी वो धुन सुनता था तो वो गर्व से खुश हो जाता था कि मेरा कान सबसे अनोखा है, और इस बात का सबूत एक बांसुरी अपनी धुन से निकाल रहा है बोल के वो खुश हो जाता था। तो चैप्टर में इतना ही है, थैंक यू। अगर चैप्टर को देखो, वीडियो को अच्छे से देखो, अगर कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे से फिर कॉन्टैक्ट करो, थैंक यू।